साढ़े चार साल बीतने बावजूद भी अजे तक एक भी वादा पूरा नहीं किया। घर घर नौकरी देने का जिहड़ा रुजगार सीगा सिर्फ दो कर्मचारियों नूं नौकरी दित्ती, वह भी अपने विधायकों दे। यह जिहड़ियां सरकारां चाहे सेंटर की सरकार आ चाहे पंजाब की सरकार आ, यह सारियां आपस में रलियां हुई। पन बस के पी आर टी सी के 8000 के करीब मुलाजम हैगे आ जिहड़े कि कच्चे तौर पर काम करते आ रहे हैं। उंज तां कैप्टन सरकार वल्लों 2017 तो बाद वड्डे वड्डे वादे किए गए सन, वादे किए गए सन, नाल दावे भी किए गए सन कि असी इन्ने लख नौकरियां दे दित्तियां ने, लेकिन वादियां ते दावियां दे विच इक बड़ा वड्डा गैप नज़र आ रहा है। सच्चाई उस तो कोसा दूर है। द समर न्यूज़ ते असीं हाल दी घड़ी खुलासा करके हटे से कि किस तरह लखां नौकरियां दा वादा करके, लखां नौकरियां दा दावा करके नौकरियां हज़ारां तां छड्डो सौआं विच भी नहीं दित्तियां गईयां। हुण गल करदे आ आ तीन दिनों वास्ते 28, 29 अते 30 जून आ तीन मीतियां वास्ते पी आर टी सी पंजाब रोडवेज पनसप जिहड़े पनबस दे जिहड़े इंप्लाई ने कंट्रैक्ट इंप्लाई यूनियन ने तिन्हां दीआं मिला के उन्होंने हुण हड़ताल रखी है तीन दिनों वास्ते। गौरतलब है कि 29 तरीक रखी गई है, कल का दिन रखा गया है। पटियाले जाके कैप्टन की कोठी का संबंधित एसोसीएशन वालों घराओ भी किया जाऊगा। पी आर टी सी पनबस पंजाब रोडवेज तीनों हुण आपस मोढ़े नाल मोढ़ा ला के खड़े हुए हैं क्योंकि गल फिर कितना कितने नौकरियों वाले पॉइंट पर आके ढुकती है। पिछले 15-20 साल तो ठेके ते रखे गए, यानी कि कच्चे मुलाजमान तो कम तो पक्या नालों भी ज़्यादा लिया जाता है, लेकिन जो तनखाह देने की वारी आती है, फैसिलिटियां देने की वारी आती है, उदों कैप्टन सरकार वल्लों पिठ दिखा दी जाती है, एक जुमला पेश किया जाता है। सो कई सालों तो पक्की नौकरियां की तलाश ने अखा थक गई, लेकिन कच्चियां तो पक्के नहीं किया गया। सो गलबात करते हैं पी आर टी सी पंजाब रोडवेज पनबस के इंप्लाई कंडक्ट यूनियन के जो लीडर ने साढ़े को मौजूद ने, उन्होंने को जानते हैं कि की गुस्सा है जिस करके तीन दिन वास्ते लखा लोगों को पंजाब से सफ़र कराने वाली सरकारी बसा हुण खड़ गई ने, गेयर न्यूट्रल हो गए ने, ब्रेकां लग गई ने, तीन दिन वास्ते एक तरह का यह चक्का जाम हो गया। गलबात करते हैं सीनियर लीडर के नाल ते जानते हैं की है पूरा मसला। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। तुहाडा नाम? जसपाल शर्मा जी। ठीक है। सूबा कमेटी आगू पी आर टी सी पनबस कंट्रैक्ट वर्कर यूनियन लुधियाना। तो की मुद्दा अज्ज दा सारा? अज्ज दा मुद्दा है जो सरकार ने हुण तक 4.5 साल के वादे किए थे वो कोई भी वादा पूरा नहीं किया, तो लोगों पूरे लारे ला के अज तक उन्होंने लारियां दे विच ही रख्या गा। तो अज का जिहड़ा मुद्दा है साडा वो पनबस पी आर टी सी के पंजाब रोडवेज के जिन्ने वर्कर ने उन्होंने पक्के तौर पर नौकरी देन दा, तो पंजाब रोडवेज पनबस के पी आर टी सी के वध तो वध बसा पाउण दा। ठीक है जी। सत श्री अकाल जी। की कहना चाहते हो कि तीन दिन वास्ते अपने बसा खड़िया करती ने, ब्रेक लाती ने, लखां लोगों को इधर उधर ले जाने वाली जी रोडवेज है पनबस है पी आर टी सी है कि दुखों खड़ गई है? जदों सरकार कैप्टन सरकार सत्ता दे विच आई सी इन्हें बड़े बड़े वड्डे वड्डे लारे लाए सीगे भी मैं ट्रांसपोर्ट माफिया खत्म कर देंगे, रेत माफिया खत्म कर देंगे, जिन्नियां प्राइवेट गड्डियां उन्हां ते रोडवेज लिख देंगे, पर अज 4.5 साल बीतने बावजूद भी अजे तक एक भी वादा पूरा नहीं किया। घर घर नौकरी देने का जिहड़ा रुजगार सीगा सिर्फ दो कर्मचारियों नूं नौकरी दित्ती, वह भी अपने विधायकों दे, मेन जिहड़े आ DSP बनाया जां किसे नूं तहसीलदार बनाया, तो बाकी पंजाब दे विच किसी नूं भी अजे तक नौकरी नहीं दित्ती। तो जिहड़ी आउण वाले समें दे विच जदों इह सरकार सत्ता जाई सी तो गुटका साहब दी झूठी सौं खा के इन्हां ने कहा सीगा वी असीं सारे वादे पूरे करांगे, किसानां दे करजे माफ़ करांगे, तो बाकी जिहड़ा ट्रांसपोर्ट माफिया खत्म करांगे। ना तो अज तक किसानां दे करजे माफ़ होए आ, तो उल्टा किसानां ते 3 बिल जिहड़े आ उह लागू करते आ जिहड़े कि पंजाब लई जां समूचे भारत लई इह मारू सिद्ध हुंदे आ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਾਹੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ 3 ਰੋਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੱਖੀ ਆ ਅੱਜ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਾਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ 27 ਦੇ 27 ਡੀਪੂ ਆ, 18 ਡੀਪੂ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਤੇ 9 ਡੀਪੂ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਪਟਿਆਲੇ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਪਟਿਆਲੇ ਮੋਤੀ ਮਹਿਲ ਦਾ ਘਰਾਓ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ। ਜੇਕਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਨਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ ਤੇ 2022 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਲਾ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੱਚੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਪਰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ?
लगभग पन बस के पी आर टी सी के 8000 के करीब मुलाजम है जेडे कि कच्चे तौर पर काम करते आ रहे हैं। तो 15-15, 12-12 साल इन्होंने कच्चे तौर पर लाते आ, 12 साल बाद कहते रूढ़ी जी भी सुनी जाती है, पर कैप्टन सरकार एड्डी ढीठ हो चुकी आ तो जिन्होंने अजे तक साढ़े नाल कोई भी वादा नहीं पूरा किया। बार बार मीटिंगा देने तो मीटिंगा दे के चिट्ठिया कढ के जो मीटिंग कर जाते हैं तो कैप्टन साहब हुणी अपने महलों तो बाहर नहीं निकलते, ऐश परस्ती विच लगे हुए। सो तुसीं देखिया कि किस तरह रोस है, चाहे पी आर टी सी है, चाहे पन बस है, चाहे पंजाब रोडवेज है। सो यूनियन इकट्ठिया हुई ने, एसोसीएशन इकट्ठिया हुई हुई ने, तीनों जानिया एसोसीएशन यूनियन इकट्ठिया हो के गुहार लगा रही ने सरकार नू कि 8000 तो ज़्यादा मुलाजम आ कच्चे साल तो मेहनत कर रहे हैं लेकिन पक्के नहीं किए गए। सो पिछे तुसी देख सकते हो कि पंजाब सरकार मुर्दाबाद के नारे का हजूम इकट्ठा होकर कल कूच करेगा पटियाले कैप्टन अमरिंदर की कोठी के वल। देख सकते हो कि जून की गर्मी के बिच भी किस तरह किन्ने लोग किन्ने सौ लोग इस वक्त लुधियाने के बस अड्डे विखे बैठे हुए है, दिलों च रोस है, गुस्सा है, नौकरियों लैके लैके दिल के गुस्सा है कि नौकरियां अपने दिखाई जा रही ने लेकिन जिहड़े लोड़वंद ने जिहड़े 15-20 साल तो मेहनत कर रहे हैं 15-20 साल तो धंधे ही नौकरी निभा रहे हैं उन्होंने पक्की नौकरी के नाम से कुछ भी नहीं दिता जा रहा। कच्चे रखिया होया, ठेके से रखिया होया, भी फैसिलिटियां पूरी उन्होंने नहीं दिखाई जा रही। सो कितना कितने फिर दस दें कि पन बस पी आर टी सी पंजाब रोडवेज कंट्रैक्ट इंपलाई यूनियन वालों ये 3 दिन की हड़ताल रखी गई है और कल यानी विचकार दिन 29 जून का पटियाले विखे कैप्टन अमरिंदर की कोठी का घिराओ भी किया जाऊगा तो अपना सुनेहा बंद हुए कन्ना तक इन्हों वालों पहुँचाया जा सके। कैमरामैन अमित कुमार पाठक के नाल नवप्रीत सिंह बेदी 10 अमर। वधेरी जानकारी लिए लाइक करो साडे फेसबुक पेज नू ते सबसक्राइब करो यूट्यूब चैनल नू ते इंस्टाग्राम नू फॉलो करना ना भूलियो।